अभी समय चल रहा है दिवाली का, और इसके बाद हमारा इमोशंस महापर्व छठ, और इसके साथ साथ एक और सेलिब्रेशन का समय वर्ल्ड कप क्रिकेट, और उसमें भारत का बेहतर प्रदर्शन, भारत का आगे जाना हम सबको रोमांचित कर रहा है। जो लोग क्रिकेट से जुड़े होते हैं ना, मतलब जिन्हें क्रिकेट पसंद है, जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों को क्रिकेट पसंद है, मुझे भी, और जब देखते हैं या सुनते हैं, पहले हम लोग ज्यादातर सुनते थे रेडियो पे, मजा आता था, विनीत गर्ग की कमेंट्री और भी बहुत सारे कमेंटेटर, तो फीलिंग्स ऐसी थी कि जैसे अगर मान लीजिए बाथरूम भी जाना है और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करने आए हैं, तो ऐसा लगता था कि हम गए हैं और तो कहीं आउट नहीं हो जाए, ऐसा लगता था कि अगर वो कभी आउट हो भी गया ऐसा लगता था कि हम बाथरूम गए थे इसलिए सहवाग आउट हो गया, अगर हम नहीं गए रहते तो आउट नहीं होता, ऐसे कभी कभी मन में आता था। तो क्रिकेट को ऑब्जर्व करने वाला, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने वाला बीच में प्रचार भी आता है, विज्ञापन उसको भी देखता है। तो मैंने भी आजकल कुछ दिन से कुछ प्रचार विज्ञापन देखा है और कुछ ऑब्जर्व किया है, उसको मैं शेयर करना चाहता हूं, और इच्छा थी आप लोगों के बीच मैंने उससे जो सीखा है उसको शेयर करने की, क्योंकि क्रिकेट को जो देखता है उसके विज्ञापन को भी नहीं छोड़ता। पहले हम लोग सुनते थे, मैं नाना जी के पास बैठ करके रेडियो पर सुनता था, तो उसका भी प्रचार मिस नहीं करना चाहता था। जैसे उस समय एक प्रचार आता था सेंटर प्रेस का कि गंगा जी यमुना जी सरस्वती जी तीनों का संगम इलाहाबाद में होता है, ये शहर अमिताभ जी का है, अमिताभ जी ने दीवार जैसी एक फिल्म दी है, लेकिन उस फिल्म से भिड़ दो दीवारें जो दुनिया जानती है, जर्मनी की टूटी हुई दीवार जो चाइना में नहीं है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो जर्मनी में नहीं है, जर्मनी में आइंस्टीन वैज्ञानिक रहते थे, भारत में भी सुब्रमण्यम जी बड़े वैज्ञानिक रहते थे जिनका जन्म तिरुचनपल्ली में हुआ, जो न जाने कई किलोमीटर दूर है चेन्नई से, चेन्नई भारत का प्रमुख शहर तो है लेकिन राजधानी नहीं, वो तो दिल्ली है, दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस नामक ट्रेन चलती है जो रतलाम रुपये रतलाम एमपी में आता है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के जंगलों में खास किस्म का तोता पाया जाता है जो बिना मतलब के बोलते ही जाता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी, किसी के मुंह से बिना मतलब की बकवास नहीं सुनना चाहते हो तो उसको बोलने से पहले तो सेंटर प्रेस, क्योंकि सेंटर प्रेस रखे जुबान पर लगाम मुझे किसी ने नहीं दिया था, धन्यवाद। मतलब पढ़ाई की लाइन याद हो या नहीं हो, इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर याद हो या नहीं हो, लेकिन ये याद हो जाता था, और भी बहुत सारे विज्ञापन थे जो याद हो जाते थे। तो मैं इसलिए ये बताया हूँ कि एक क्रिकेट को जो थोड़ा करीब से देखता है, दिल से देखता है, उसमें की छोटी छोटी चीजें भी वो ऑब्जर्व करने लगता है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप एक महापर्व के जैसा होता है, अगर भारत आगे बढ़ रहा हो तो भारतीयों के लिए, 2011 में टीम जीती थी, उम्मीद है इस बार फाइनल फिर से जीतेगी, भारत में हो रहा है तो इसलिए संभावना ज्यादा है। इस बीच जब हम इसको फील कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ओकेजन है, इसके बीच में देखिएगा कभी हार्दिक पांडे आते हैं विज्ञापन में, और वो विज्ञापन करते हैं किस चीज का, कि साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को हराना मुश्किल है, तो हराने में उसको मजा आएगा, मतलब आने वाले सीरीज का, ये तो हो रहा है ठीक है, लेकिन हार्दिक पांडे आते हैं और आगामी जो सीरीज है साउथ अफ्रीका में उसकी बात करते हैं, एक और दिखाया जाता है कि इसके बाद मेहमान ऑस्ट्रेलिया को यहीं पे रखा जाएगा, उससे सीरीज होगी होनी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसके बाद हम जिस चीज को बड़ा मान रहे हैं, एक छोटी वो बड़ा है, लेकिन वो लोग ना आगे की भी तैयारी करके बैठे हुए हैं, मतलब हमें बताया जा रहा है कि इसके बाद फिर है, इसके बाद फिर है, मतलब वहां वो रुक नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप भारत जीत गई और हो गया, एक माह तक वो सेलिब्रेशन करेंगे, उसको लेकर के ढोएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो बातें होती रहेगी, मतलब वो सेलिब्रेशन होता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आगे का काम भी रुकने वाला नहीं है। बीच में कबड्डी की बात आती है कि वर्ल्ड कप समाप्त कबड्डी शुरू, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप समाप्त होगा फिर एक कबड्डी की तैयारी ये लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी उसकी भी हो रही है, बस ये समाप्त हुआ, आगे का सीरीज, उसके आगे का सीरीज होता जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई एक छोटा सा अचीवमेंट हो, छोटा सा कुछ अचीव करते हैं, सेलिब्रेट उसको सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ दिन तक चाहते हैं कि ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहे और कुछ नया शुरू नहीं करते। हमें क्या लगता है कि इतना मुश्किल से हम इसको प्राप्त किए हैं, तो अब इसको लेकर कुछ दिन तक जिएंगे, मस्ती करेंगे, फिर कुछ नया शुरू करेंगे,
लेकिन दुनिया अब इतना स्लो नहीं है। एक चीज प्राप्त हुआ, दूसरे की तैयारी पहले से शुरू है, दूसरी चीजों को प्राप्त करने की, उसके बाद तीसरे के लिए, चौथे के लिए, मतलब कुछ भी प्राप्त करके वहां रुकना नहीं है। हमने क्या ऑब्जर्व किया उससे कि कुछ भी प्राप्त करें हमें रुकना नहीं है। आज प्राप्त हुआ, अगले का काम आज से ही शुरू, हो सके तो पहले से शुरू कर दो अगर संभव हो तो। दूसरा प्राप्त हुआ, तीसरा का शुरू, मतलब खुद को बिजी रखना है, खुद को बहुत आराम देने की कोई जरूरत नहीं है। जो रही बात सेलिब्रेशन की, तो हम काम के साथ भी अपने दूसरे अचीवमेंट के लिए, पहला प्राप्त हुआ, दूसरा को शुरू कर चुके हैं, दूसरे के लिए काम शुरू कर दिए हैं, इधर सेलिब्रेशन भी साथ में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग वर्ल्ड कप जीतने के बाद सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, होता रहेगा। वो गवर्नमेंट पैसा देगी उधर से, इधर से, ये उसके बाद विज्ञापन मिलेगा, उधर से मिलेगा, चारों तरफ से मिलेगा, ये सरकार मतलब अलग अलग राज्य वाले, और इधर अगले सीरीज की भी तैयारी हो रही है, मतलब कुछ भी कहीं पर भी पहुंचकर वहां पर स्टॉप नहीं होना है, रुकना नहीं है, आगे की तैयारी पहले से होती रहनी चाहिए। बिकॉज सक्सेस इज जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। बस थोड़ी फीलिंग्स थी, बतानी थी, कुछ ऑब्जर्व मैंने किया था, आप लोगों के बीच शेयर करना था। थैंक यू।